सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण मुख्यालय को शिमला से पालमपुर स्थानांतरित किया जाएगा और पुलिस विभाग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उप महानिरीक्षक इंटेलिजेंस का पद धर्मशाला से संचालित किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में परिवीक्षाधीन पुलिस उप अधीक्षक के 12वें बैच और उप निरीक्षक के 8वें बैच की पासिंग आउट परेड की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने पुलिस ध्वज फहराया और पुलिस की टुकड़ी द्वारा भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस उप अधीक्षक परिवीक्षाधीन प्रणव चौहान ने परेड का नेतृत्व किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि परिवीक्षाधीन पुलिस अधिकारियों के परिवारजनों के लिए आज गौरव का समय है जो आज पास आउट हुए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज पास आउट हुए परीक्षणार्थी राज्य की समर्पित भावना से अपनी सेवाएं देकर राज्य को देवभूमि बनाने में कारगर सिद्ध होंगे। अनुशासन हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा पुलिस अधिकारियों को समाज और युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बनकर उभरना चाहिए। पुलिस बल में कार्य करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये समुदाय में बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि समाज को पुलिस से बहुत अपेक्षा है और प्रत्येक पुलिसकर्मी को लोगों की उम्मीदों के अनुसार कार्य सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों को पर्यटकों के प्रति शिष्टाचार की भावना से कार्य करने को कहा ताकि वे राज्य से अच्छी यादें लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस का व्यवहार आदरपूर्वक होना चाहिए ताकि वे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में पुलिस आरक्षियों के 1000 पदों को भरने के लिए भी मंजूरी प्रदान की है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में बेहतर आधारभूत संरचना के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरो को आगामी 5 सालों के लिए प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने नूरपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। जयराम ठाकुर ने 1,75,00,000 रुपए की लागत से निर्मित प्रशिक्षु आवासीय भवन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्यों और गतिविधियों के लिए आपदा प्रबंधन निधि से पुलिस बल को 1,37,00,000 रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने इन हाउस हेलीपैड की ओर जाने वाली सड़क को शीघ्र पक्का करने की भी घोषणा की। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ परिवीक्षाधीन परिवेक्षकों को भी पुरस्कृत किया। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 5वीं बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। आपने 2 दिसंबर जनसेवा में सक्रिय रहे हैं। देवभूमि हिमाचल की छोटी काशी जिला में आप प्रथम बार वर्ष डीएसपी प्रोबेशनर एवं सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर तीन अधिकारियों को साक्षी मानकर जनसेवा एवं भारतीय संविधान के अनुसार कर्तव्य आरक्षकों के प्रति सच्ची श्रद्धा। विधानसभा अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश एवं श्री रुंडू भारतीय पुलिस सेवा पुलिस महानिदेशक हिमाचल परेड द्वारा जनरल सल्यूट देकर मान्य मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन। उपस्थित श्रीमान सवार होकर दीक्षांत समारोह के हिमाचल एक बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की अगर हम बात कहें तो वो बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। आज की तारीख में उस बात को हम कह सकते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि यहाँ शांति है, कानून व्यवस्था बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है।
इसलिए हमको बहुत ज्यादा चीजों को प्लान करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों को लेकर के नए इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत नहीं है। आज के इस युग में जहां पूरी देश और दुनिया में और सभी प्रदेशों में भी जिस तरह से क्राइम रेट बहुत अलग तरह का नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए बढ़ता जा रहा है, उस दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी पुलिस फोर्स को भी वो उस प्रकार की सारी चीजों की व्यवस्था, सारी चीजों की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात है, चाहे वो एडवांस ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट की बात है, नए नए इनिशिएटिव्स की बात है। तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश पुलिस कहीं भी किसी भी राज्य की पुलिस से पीछे नहीं है। इसके लिए भी वे पुलिस के सभी अधिकारियों को और पुलिस के सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां पर जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उनके माता पिता भी यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और स्वाभाविक रूप से जब किसी का बेटा अपनी आंखों के सामने इस प्रकार से देश और प्रदेश की सेवा के लिए आगे बढ़ता है तो माँ बाप के लिए वो बहुत गर्व का क्षण होता है।